एवरीबॉडी. सबसे पहले तो अल्पेश जी एंड टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. एंड इज इट ओके अगर मैं हिंदी में बोलूं तो? यस यस, वेरी गुड. थोड़ा अंग्रेजी से क्या कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम श्योर अपने हिंदुस्तान से तो हिंदी में सही रहेगा, अंग्रेजी से अच्छा. ऑफकोर्स, दिस इज फॉर ऑल द वीमेन अक्रॉस इंडिया, सो हिंदी में बोलो. जी थैंक यू सर. सर डोमेस्टिक मैं, क्योंकि थैंक यू फॉर आई सेड हैविंग मी हियर, क्योंकि मैं अब ऐसा है सर कि मैं डाउन द लेवल सारे स्टेटस ऑफ द सोसाइटी के साथ काम कर रही हूँ, डाउन द लेवल से लेके अप द लेवल, यानी मिडिल क्लास लो, लोअर मिडिल क्लास लो, हाई क्लास लो, क्या कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लो, सबके साथ काम कर रही हूँ. सर सब में एक ही चीज जो मेरा मेजर दिखाई दिया वो ये था, अगर आप डोमेस्टिक, मैं पहले बताऊंगी, ऑब्वियसली आप लोगों को तो पता है डोमेस्टिक वाले से, बट हाउ वी कैन स्टॉप इट, जैसे आपने कहा, क्योंकि अल्टीमेटली सी आई मीन व्हाट आई बिलीव कि जब हम इस तरह के फोरम में रहते हैं तो सर मेरा ऐसा खास मानना है कि जब आप लोगों ने हमें बुलाया तो वी शुड शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड स्टे कि क्या कर सकते हैं. सिर्फ एडवाइस देने से या सजेशन देने से काम नहीं होने वाला है. सो मेरा ये प्रैक्टिकल रिसर्च के साथ और हम इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि सबसे पहले अगर हम वो एक उंगली, हम लोग वो एक उंगली अगर स्टॉप करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं. अब एग्जांपल देना चाहती हूँ, ठीक है, जस्ट जंप टू द टॉपिक बिकॉज आई नो देर आर अदर थिंग, और आपने हमें खाली आधा घंटा दिया और इतने सारे पैनलिस्ट दिए थोड़ा ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए मैं सीधा जंप करूंगी विदाउट गोइंग अराउंड अराउंड. तो जंप टू द टॉपिक में मेरा ऐसा कहने का है सर कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है कि जब अपने घर में यू नो जब वो जो पति पत्नी वाला डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो क्या आप जो छोटे छोटे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है सर, दे आर नॉट लाइकिंग इट. बिल्कुल, वेरी ट्रू. धीरे धीरे बड़े होते ना तो लड़की देखती है कि मम्मी सहन कर रही है तो वो सोचती है अरे मुझे भी करना है, और लड़का देखता है कि पापा कर रहा है तो बोलेगा अभी मुझे भी करना है, मैं मैनली बनने वाला हूँ. एक पॉइंट पहला. अब दूसरी पॉइंट की ये लड़की देख के बड़ी होती है, लड़का देख के बड़ा होता है. अब मान लो, अब जस्ट टेकिंग फास्ट एग्जांपल, ये हमारी रिसर्च बता रही है कि मान लो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलो या फियांसे बोलो, कोई भी बोलो, वो लोग कहीं मिल रहे हैं और लड़की लेट पहुंचती है, एग्जांपल दे रही हूं. अगर जब लड़की लेट पहुंचती है तो लड़का का एक तो उसको ईगो आ जाता है, क्योंकि अगर गार्डन में खड़ा सब घूर के देख रहे होंगे कि ये खड़ा और लड़की नहीं आई, तो उसका पहले तो ईगो आ जाता है कि मैं खड़ा हो गया और वो नहीं आई, मेरा टाइम बिगड़ गया. अब जब लड़की आती है तो लड़की को वो पहले बोलता है कि भाई तू क्यों लेट आई, तो लड़की ने कोई भी रीजन दिया होगा, जो भी लॉजिकल जो भी होगा. अब ही वॉन्ट्स टू प्रूव कि मैं मर्द हूं, तो वो लड़की को टपली मारता है. अब सुनिए सर, ये इंपॉर्टेंट है, वो लड़की को टपली मारता है. अब अगर वो लड़की ये टपली का सामना करेगी, और वो भी कैसे, सामने मार के नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहना है कि हम किसी के साथ भी एज अ फीमेल, सब लोग जानते हैं बायोलॉजिकली हम लोग मेंटल स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हम किसी के साथ भी हुक्काबाजी करके कभी नहीं जीतेंगे. लेकिन अगर वो जब पहली टपली मारता है और अगर वो लड़की उसकी आंखों से आंखों मिला के बोल सकती कि मेरे साथ नहीं करने का, अब देखो सर, अब वो लड़का डर जाएगा. अब डर नहीं, ये सब इसके साथ बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल के साथ बोल रही हूँ, एवरीबॉडी स्टिल लिसनिंग हियर, ऐसे में सिर्फ स्टोरियां नहीं कर रही हूँ. सो जब ये लड़का डर जाएगा तो लड़की को आइदर बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो मस्ती कर रहा था, या वो बोलेगा ले तू मुझे मार. तो सर मुझे ऐसा कहना है कि लड़की को इसको गेम नहीं बनाना है कि ले 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 मैं मारती हूँ, नहीं, लड़की को सिर्फ उसको आंख से आंख मिला के बोलना है कि मेरे साथ ऐसा मत करना. जिस दिन लड़की ने ये कर लिया सर, वो जंग जीत गई. अगर उसने ये नहीं किया तो सर ये थप्पड़ जो है, टपली से थप्पड़ होगी, थप्पड़ से पट्टे मारेंगे और बहुत कुछ होगा सर. सो दिस इज माय स्मॉल सबमिशन सर. थैंक यू वेरी मच रुजान, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम से प्रैक्टिकल टिप दिया है सबके लिए. आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू आवर लिसनर्स वी ऑल्सो. माई अदर क्वेश्चन इज दे आर रिलेक्टेंट टू टॉक अबाउट दिस वायोलेंस, सो हाउ कैन वी मेक देम रेडी टू टॉक अबाउट देयर वायोलेंस.